वेलकम बैक टू माय चैनल एंड पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। इंडिया की तरफ से आज हम फिर से लाए हैं आपके लिए पेपर टू की वीडियो, और ये हिंदी का है, पेपर वन हिंदी। और ये पेपर जो हमें क्वेश्चन पेपर आपके सामने लाया हूँ, ये दिसंबर 2020 में आ चुका है, दिसंबर 2018 में इसमें से क्वेश्चन आए थे, और ये वही क्वेश्चन पेपर है जो मैं लाया हूँ। तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप कुछ सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सीखते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है, यानी कि अगर हम अपर प्राइमरी लेवल की बात करें तो वहाँ पर जो भाषा सीखने का उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है। तो इसके हम सारे ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन जो रहेगा इसका वो है प्रश्नोत्तरी भाषण अंताक्षरी की मात्रा आयोजन का मात्र आयोजन करना। नहीं, गलत है ये। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। ओके, थर्ड है दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। ठीक है, उसके बाद डी है निजी अनुभव को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। बिल्कुल गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। तो इसका आंसर बी ही है सही। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है आज का, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है। देखते हैं, एकमात्र उद्देश्य, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य। अब इसलिए इसका आप सबको पता चल रहा है कि ये एकमात्र उद्देश्य तो नहीं है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी नहीं है, तो ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ने का अर्थ है, पढ़ने का अर्थ, हम क्यों पढ़ते हैं। तो पढ़ने का अर्थ है आप पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना या शब्दों को पढ़ना। तो जो पढ़ने का ज्ञान है उसका यही है कि पढ़कर समझना। हम जो पढ़ रहे हैं उसको करेंगे क्या, हम पढ़ तो रहे हैं, उसका काम क्या है, तो पढ़कर समझने का ही उसका काम है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये रहा 109। ठीक है, अपना क्वेश्चन आ चुका है अपने पास। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। ओके, ये हमारा, एक मिनट गाइस, एक मिनट प्लीज। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य के भाव निकल रहा है या नहीं। यानी कि एक कविता है जिसमें बार बार अभी भी लिखा गया है, तो इसमें क्या भाव निकल रहा है, ये कोई भाव निकल भी रहा है या नहीं, इस प्रश्न, यह प्रश्न किस ओर संकेत करता है। तो देखते हैं, व्याकरणिक ज्ञान की ओर या ज्ञान की भाषा की बारीकी, व्याकरण की परिभाषा या भाषा संरचना। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो व्याकरणिक ज्ञान होगा, क्योंकि वो बार बार वो व्याकरण की तरफ ही हमें संकेत कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य, समाचार पत्र। तो अगर हम बात करें कि भाषा पुस्तक के अलावा अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है अपर प्राइमरी लेवल की, तो वहाँ पर रेडियो नाटक तो इतना काम नहीं करेगा, कविता पाठ भी इतना वर्क नहीं करेगा, पर उसके जो एज है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई उसे साहित्य पढ़ाएं तो वो ज़्यादा उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो सी होगा। अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या निराधार है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पूर्णतः असत्य है। हम इंक्लूसिव क्लासरूम में बैठते हैं ना, इंटीग्रेट करके तो पढ़ाते हैं ना, चीज़ों को हम इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आए, तो इसका सत्य होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे भाषा के विभिन्न
रंगतों से परिचित हो सकें, दूसरा है हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, थर्ड है सामाजिक सांस्कृतिक से संस्कृति से परिचित हो सकें, यानी कि सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें, फोर्थ है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी, यानी कि ये सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, बच्चे कब भाषा सबसे बेटर वे में सीखते हैं। तो देखते हैं, अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, अच्छा भाषा की समृद्धि परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। नहीं, बच्चे भाषा को सबसे बेहतर तरीके से तब सीखते हैं जब भाषा का जो समृद्ध हो वो परिवेश हो, समृद्ध परिवेश हो, कि बच्चे वहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन है आज का, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि अपर प्राइमरी लेवल पे भाषा अगर आकलन करें, उसका इवेल्यूशन करें, तो कैसे होगा, कौन सा सबसे बेस्ट है। सॉरी गाइस, तो देखते हैं इसके आंसर, इसका चारों ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, फिर जो सबसे करेक्ट होगा हम उसको ही ऑप्ट करेंगे। पहला है अवलोकन, दूसरा है जांच सूची, तीसरा है साक्षात्कार सूची, फोर्थ है लिखित सूची। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जांच सूची, क्योंकि हम जांच के थ्रू ही कर पाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय भाषा की परिचर्चा का एक लक्ष्य प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना, उच्च, दूसरा है सर्वोच्च, थर्ड है औसत, फोर्थ है बुनियादी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बुनियादी होगा, कि द्वितीय भाषा में अगर हम सीख रहे तो उसका बुनियादी होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है होगा डी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, भाषा को किन किन कौशलों से पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो इसमें से देखना है हमें कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है। तो हम देखते हैं, पहला है अकर्मिक, दूसरा है एकीकृत, थर्ड है उच्च, फोर्थ है निम्न। तो जो भाषा है वो विभिन्न कौशलों को अगर अगर बात करें हम, तो वो कर्मिक रूप से एक सीक्वेंस में पढ़ाने के लिए अनुशंसा की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है, यानी कि व्याकरण अगर पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी विधि है जो सबसे ज़्यादा अपेक्षाकृत है। पहला है आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि, तीसरा है सूत्र विधि, फोर्थ है पाठ्य पुस्तक विधि। तो व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में हम क्या करते हैं कि बच्चों से भी कुछ पूछते हैं, टीचर भी कुछ बताता है, दोनों मिलकर सारा डिस्कशन करते हैं। तो इसमें आगमन विधि होगा कि दोनों को दोनों का बराबर इसमें पार्टिसिपेशन है, क्योंकि ये है कि अगर टीचर लेक्चर मेथड से पढ़ाना चाह रहा है तो बच्चे कभी नहीं सीखेंगे, तो बच्चों का उसमें बराबर हिस्सा होना चाहिए, तभी हम पढ़ा पाएंगे व्याकरण को। अगला देखते हैं हम, अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है, यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर है उस वहाँ पे भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक टॉपिक है रक्त और हमारा शरीर, अगर इस पाठ को हम शामिल करें तो इसका ये किस विचार से जुड़ा है, देखते हैं इसको। तो पहला है विषयों की विभिन्न भाषाओं, दूसरा है संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, थर्ड है हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों, चौथा है विज्ञान संबंधी शब्दावली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विषयों की विभिन्न भाषाओं, यानी कि हम यहाँ पे हमने साइंस को ऐड कर दिया, बच्चा थोड़ा सा उसकी नॉलेज भी ले पा रहा है, जैसे कि देखते हैं रक्त और हमारा शरीर ये साइंस रिलेटेड टॉपिक, तो हम इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। ऑप्शन देखते हैं, पहला संस्कृति डैश समाधानों, दूसरा है समस्याओं अवसरों, तीसरा है भाषा स्थिति संस्कृति, और चौथा है भाषा स्थिति और अवसरों। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भाषा स्थिति और संस्कृति, क्योंकि जो त्रिभाषा फॉर्मूला है भारत की वो भाषा स्थिति और संस्कृति को संबोधित करने का प्रयास करता है। तो इसका आंसर अभी जैसे मैंने आपको बताया सी रहेगा।
बढ़ते हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने और पढ़ने की क्षमता से किस संगति में होना चाहिए। यानी कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, या पूर्णतः निराधार है। तो ये आंशिक रूप से सत्य है, पूरा भी सत्य नहीं है, पूरा गलत भी नहीं है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो इसका सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहे। अभी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फॉरवर्ड कीजिए कि कई लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं लर्नर्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया।